नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के जो भी हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, है ना। पेपर नंबर 8 आपका है और इसके यूनिट 3 पर हम बात करेंगे। इसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई है और भैया प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में इन दोनों यूनिटों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका यूनिट 3 है, यहाँ पर गणित की बात की जा रही है कि आखिरकार गणित हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे या गणित पढ़ाने के महत्व क्या हो सकते हैं, है ना। और जो भी चीज़ें गणित से संबंधित हैं आपको यूनिट 3 में देखने को मिलेंगी। इसके पहले जो आपका यूनिट 2 था, वहाँ पर हमने सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में पढ़ा, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ा। तो आज हम जानेंगे गणित के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि एक बच्चा, एक व्यक्ति अगर घर पर रहता है या समाज में रहता है ना भैया, उसको गणित का बहुत ही महत्व है। अब ऐसा क्यों है? अगर बच्चा घर पर रह रहा है तो मम्मी कहती बेटा एक बर्तन लेके आओ, है ना, या एक ग्लास लेके आओ, एक कप लेके आओ, है ना। और ऐसे ही अगर बच्चा घर के बाहर जाता है, जैसे मान लिया मार्केट गया तो मम्मी ने कह दिया भैया ऐसा करना, 1 किलो आलू लेके आना, 5 किलो टमाटर लेके आना, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? हमारे गणित के अंतर्गत ही तो आ रही हैं, यानी कि हमारे अंक हुए, हमारी गणनाएं हुई, है ना, हमारे नए समस्या समाधान हुए, ये सारी चीज़ें हमारे गणित के अंतर्गत आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में गणित एक अपना बहुमूल्य स्थान बनाए हुए है, जहाँ पर एक हम आधारशिला के रूप में जिसे देख सकते हैं और जिससे हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति अपनी उपयोगिताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे अगर हम बात करें उपयोगिता की पूर्ति की, तो कहेंगे कि गणित की उपयोगिता का उद्देश्य क्या है, गणित की उपयोगिता का उद्देश्य क्या है, है ना। तो कहेंगे कि भैया जो उपयोगिता है उसमें नाप हुआ किसी चीज़ का, किसी चीज़ का तौल हुआ, है ना, समय हुआ, है ना। अगर हम खेती की बात करें तो खेत की माप हुआ, है ना, उसमें जितना हमने अनाज उगाया और उसमें पैदावारी कितनी हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी गणित के अंतर्गत आएंगी। तो हम कह सकेंगे कि यह एक जो गणित है आपका, एक बहुत ही उपयोगी विषय है, जहाँ पर मनुष्य एक सभ्य प्राणी की ओर आगे बढ़ता है, सभ्य प्राणी बनता है और भैया कह सकते हैं कि अपने ज़रूरत से संबंधित सामान, जो उसको चीज़ें ज़रूरत हैं, वहाँ पर वो चीज़ों को ला सकेगा और बेहतर बना सकेगा। ऐसे ही अगर भैया मेडिकल स्टोर पर बच्चा जाएगा, है ना, तो कहेगा भैया 2 दवा दे दो, ठीक है, उनके नाम ये हैं, तो कितनी 2 दवाएँ मांग रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको किसके अंतर्गत, किसी भी चीज़ का क्रय हुआ, विक्रय हुआ, कहीं पर अगर हम जाते हैं आते हैं, है ना, यहाँ तक कि अगर हम अपनी बस में भी सफ़र करते हैं या अगर हम ऑटो में सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर भी भैया गणित का ही उपयोग होता है, कितने किलोमीटर जाना है और उस किलोमीटर की कितनी दूरी है, उसका पैसा कितना है, जो भी दूरी है जितने किलोमीटर हैं उसका पैसा कितना है। और हो सकता है कि अगर आपसे वहाँ पर किसी भी खनिज तेल की बात की जा रही हो, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, CNG हुआ, है ना, तो उसमें खपत कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जब ही संभव हैं, जब हमें अच्छे से गणित का ज्ञान होगा, तभी हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। ब्याज कितना लेना है हमें, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गणित के क्रय विक्रय से ही चीज़ों को, हम व्यापार में भी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, कह सकते हैं कि गणित ही हमारी संस्कृति का, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, कहता है कि गणित ही हमारी संस्कृति का दर्पण है, है ना, गणित ही हमारी संस्कृति का दर्पण है।
गणित से क्या होगा, कहा जाएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी चीज़ें हमारे साथ जुड़ रही हैं या जो भी सांस्कृतिक संरक्षण है, सांस्कृतिक संरक्षण है, इसका उद्देश्य जो है वो हमारे गणित से ही आता है। जो भी व्यक्तियों के अनुभव हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें हस्तांतरित हो रही हैं, इन सभी का संरक्षण जो है वो हमारी गणित से ही हमें मिलता है। ऐसे ही गणित से क्या होगा, गणित से बच्चे की मानसिक योग्यता बढ़ेगी, है ना, मानसिक योग्यता बढ़ेगी और भैया क्या बौद्धिक विकास होगा, बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, मानसिक योग्यता बढ़ेगी और बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, चीज़ों को बच्चा हल कर पाएगा, है ना, समस्या समाधान खोज पाएगा, तर्क कर पाएगा, बच्चा सृजनात्मकता दिखला पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गणित के बौद्धिक विकास से शुरू होती हैं, है ना। ऐसे ही गणित से हम लोग भैया क्या आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आप कहोगे सर गणित से कैसा आनंद, है ना, गणित से कैसा आनंद, कैसे आनंद की प्राप्ति करेंगे, है ना, जो भी हमारी जटिल समस्याएं हैं उनको हम सरल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, उनको हम हल कर रहे हैं, है ना, उसमें हमें, हमने इतना सीख लिया कि हमें कम परिश्रम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें खुशी होगी कि हमने इस चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख लिया और बहुत ही जल्दी कर लिया, तो वो क्या है, गणित से आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। इसके बाद में जो अन्य विषय हैं उनके संबंध में भी सीखने का मौका मिलेगा, है ना, जैसे कोई भी अगर हमें अर्थशास्त्र सीखना है तो अर्थशास्त्र में हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार बजट कितना आएगा, है ना, बजट कितना आएगा, उसमें घाटा कितना हुआ, उसमें लाभ कितना हुआ, तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किससे, आपकी गणित से ही संबंधित हैं, तो ये आपको देखना होगा, है ना। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि आपका 3.2 में आपको देखने को मिलेगा गणित पढ़ाने के तरीके क्या हैं, है ना, गणित पढ़ाने के तरीके, है ना, और तकनीकियां क्या हैं, गणित पढ़ाने के तरीके और तकनीकी क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं गणित पढ़ाने के तकनीकियों के या तरीकों की, तब हम बात करते हैं, कहते हैं कि गणित को हम लोग इंडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं, ठीक है, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं आगमन विधि, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगमन विधि। तो इस आगमन विधि से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव और उदाहरणों का प्रयोग कर अध्ययन जो है वो कराया जाता है, जहाँ पर जो ज्ञात तथ्य हैं उनके आधार पर सूझबूझ और निर्णय लिया जाता है। शिक्षक क्या करता है कि जो भी उदाहरण हैं, जो भी प्रत्यक्ष चीज़ें हैं, इनसे व्यक्तियों को पढ़ाएगा और हम कह सकते हैं कि बच्चे को विशिष्ट से सामान्य की ओर पढ़ाया जाता है आपके आगमन विधि में। उदाहरणों का प्रयोग करके उसका अध्ययन कराया जाएगा आपके आगमन के विधि में। इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम चरण की बात करें इसके, तो कहेंगे सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में उस उदाहरण का हम लोग क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, उस उदाहरण का ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और उस उदाहरण के अनुसार ही हम लोग क्या बनाएंगे, नियम को बनाएंगे, है ना। और भैया उसके बाद में क्या होगा, जो सामान्य नियम है उसका परीक्षण करके हम चीज़ को क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे या सत्यापन देंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपके आगमन विधि में, है ना। इसमें क्या होता है, अगर हम इसके दोष की बात कर लें, तो इसमें क्या होगा, जब इतनी प्रक्रिया हम करेंगे, उदाहरण करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, नियम बनाएंगे, सत्यापन करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो समय है वो ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर जो बच्चा है उसको अधिक परिश्रम करना होगा, है ना, और अपनी सूझ का भी इस्तेमाल करना होगा, है ना, अपनी समझ का भी इस्तेमाल करना होगा। ऐसे ही आपका जो दूसरा पॉइंट है या दूसरी जो विधि है वो है आपकी
निगमन विधि, निगमन विधि। अब निगमन विधि में क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इस विधि में क्या होगा, इस विधि में पहले बताया जाएगा नियम और उसके बाद में बताया जाएगा उदाहरण। पहले नियम बताया जाएगा और फिर क्या बताया जाएगा, फिर उदाहरण बताया जाएगा। यहां पर हम जस्ट आगमन विधि का उल्टा करेंगे, यानी कि जो भी स्थापित नियम हैं, जो भी सूत्र हैं, पहले इनके बारे में बताया जाएगा और उसके बाद में उसका समस्या समाधान करना सिखाया जाएगा और उसके बाद में उदाहरणों को बताया जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर हम गुण की बात कर लें तो कहेंगे भैया कि इसमें बच्चे की स्मरण शक्ति जो है ना, बच्चे की जो स्मरण शक्ति है उसका विकास होगा, बच्चा व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक विधियों का विकास कर पाएगा और बालक जो है वो तेज़ी से सीख पाएगा, है ना। यहाँ पर एक चीज़ बहुत कम होगी, यहाँ पर रटने पर बल दिया जाएगा। क्यों रटने पर बल दिया जाएगा, क्योंकि पहले हम बच्चे को सूत्र सिखा रहे होंगे, बच्चे को पहले फॉर्मूला बता रहे होंगे, तो पहले रटने पर बल दिया जाएगा। और ये आपकी जो आगमन विधि थी, यहाँ पर रटने पर नहीं, यहाँ पर करके सीखने पर बल दिया जाता है ना, करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, निगमन विधि रटने पर बल देती है और आगमन विधि आपकी करके सीखने पर बल देती है ना। इसके बाद में आपका हम गणित का उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें हम गणित के उपयोग में एक तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी, तीसरी चीज़ जो है या तीसरी विधि जो है वो आपकी है विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, है ना। इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस, है ना, एनालिस्टिकल मेथड। तो ये जो आपकी विश्लेषण विधि या एनालिस्टिकल मेथड है, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, इसमें जो विधि होगी वह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, या जो आपकी विधि है ये कैसी है, अज्ञात चीज़ों से किसकी ओर, ज्ञात की ओर चल रही है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी सूक्ष्मता है या जो भी व्यवस्थापन की सूक्ष्मता है, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसके मूल तत्वों के बारे में खोजने की क्रिया जो है वो आपका विश्लेषण का नाम देती है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को सीखना है, या हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते ही थे, तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ पर कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग, तब जाकर के हम लोग कहते थे कि भैया लंब का वर्ग निकल के आएगा, लंबाई जो है वो निकल के आएगी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। होगा क्या विश्लेषण विधि में, यह भी अधिक समय लगने वाली विधि है, इसमें भी ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पर भी बच्चे को अधिक तर्क करना होगा, उसकी सूझ की शक्ति जो होगी, समझ की जो शक्ति होगी वो भी अधिक होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर बच्चा स्वयं से सीखने पर बल देगा, है ना। ऐसे ही आपका एक आता है चौथे नंबर का, संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। और संश्लेषण विधि जो है ये आपके अभी जो मैंने आपको निगमन विधि पढ़ाया था उस पर आधारित है। यहाँ पर भी बच्चे को जो चीज़ें हैं वो बता दी जाएंगी, सूत्र वगैरह जो है वो बता दिए जाएंगे, है ना। और उसके बाद में क्या होगा कि आगे की चीज़ों को जो भी उसकी चीज़ें हैं उस पर जोर देगा, यानी कि हम कह सकते हैं सीधे मामले में कि सूत्र पहले बताएंगे, उसके बाद में उसको हम सिखाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा कि रटेगा चीज़ों को, पहले को सूत्र को याद करेगा, है ना। तो रटन प्रणाली पर ऐसे ही आपका, आपने अभी निगमन विधि पढ़ा था, तो एक तरीके से निगमन विधि पर ही आधारित आपकी संश्लेषण विधि भी है। ऐसे इसके बाद में हम लोग एक विधि का प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला विधि, है ना। प्रयोगशाला विधि यानी कि लैब मेथड या लेबोरेटरी मेथड, जहाँ पर बच्चा चीज़ों को रुचि लगा करके सीखता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रयोगशाला है, नए नए यंत्र हैं, नए नए तरीके हैं, और नए नए तरीकों से बच्चा एक स्थायी रूप से उसका स्रोत जो है वो विकसित होगा, रचनात्मक बच्चे का विकास होगा। और यह विधि जो होगी प्रयोगशाला विधि, क्योंकि भैया बहुत सारे उपकरण वहाँ पर होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी खर्चीली भी होगी, है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा खर्चीली भी होगी, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आप लोग समस्या समाधान विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड या लेक्चर विधि व्याख्यान विधि ये भी आप लोगों ने पढ़ी, और लेक्चर विधि के बारे में भी आपको बताया गया था, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कुशल अध्यापक बच्चों का लेक्चर लेगा, बच्चों का व्याख्यान करेगा उन सभी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी व्याख्यान विधि के अंतर्गत आएंगी। तो आप प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग कर सकते हो, है ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रयोग कर सकते हो, है ना, आप प्रयोगशाला मेथड का प्रयोग कर सकते हो, संश्लेषण विश्लेषण इन सभी विधियों का आप लोग प्रयोग कर सकते हो, है ना। इसके बाद में बच्चे को असाइनमेंट दे सकते हो, गणित में बच्चे को असाइनमेंट भी आप दे सकते हो कि भैया आप ऐसा करो कि चीज़ें घर से सीख करके आओ, या असाइनमेंट बना करके लाओ, इसको ढूंढ के लेके आओ, है ना। ऐसे ही आप लोग लिखित कार्य भी बच्चे को दे सकते हो, बच्चे को समूह में रह करके भी कार्यों को सिखा सकते हो। तो ऐसे हम लोग गणित को बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं आपके यूनिट 3.3 की, यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो भी आपके प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, है ना, इनको हम लोग मैथ कैसे सिखाएंगे, गणित को कैसे सिखाएंगे, और भैया किन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, किन टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे, है ना, किन टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सही कर देते हैं भैया, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, CHNIQUES, है ना, किन टेक्निक्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जब भी हम लोग बात करते थे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कहते थे कि बच्चे को हम लोग गणित पढ़ाएंगे, तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉक के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, है ना, या हम लोग जो भी बच्चे के लिए सुडोकू वगैरह है इनसे भी हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। हम लोग बच्चे को गिनती को जोड़ने के बारे में भी एक चार्ट पेपर के माध्यम से या इस टाइप से हम लोग सिखा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को हमें गणित यानी कि प्री मैथ कैसे सिखानी है। तो जब भी हम प्री मैथ की बात करते थे तो हम कहते थे कि एक मैन्युपुलेटिव सिस्टम्स हैं, इसके द्वारा हम लोग सिखा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता था कि एक से दो, दो से तीन, चार, और क्या होता था, हम लोग जोड़ जोड़ करके एक बढ़िया सा अच्छा सा हम लोग क्या बना देते थे, डॉग बना देते थे, है ना। और ऐसे ही ए बना दिया हमने, बी बना दिया हमने, सी बना दिया, तो ऐसे ऐसे जोड़ करके बच्चा लेकर के आया और डी तक लेकर चला आया। तो ये आप इंग्लिश में भी उपयोग कर सकते थे और इसका आप लोग गणित में भी उपयोग कर सकते थे। हम लोग भैया बच्चे को चीज़ों को मिला मिला करके चीज़ों को सिखाना सिखाते थे, है ना, कि हमने एक अगर लिख दिया तो एक यहाँ पर चित्र हमने बना दिया, दो लिख दिया तो दो चित्रों को बना दिया। तो ऐसे भी हम लोग सिखा सकते थे, यानी कि जो आपका मैनिपुलेटिव सिस्टम है ब्लॉक्स के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, है ना, कोई भी बेस है उसके माध्यम से, है ना। तो ऐसे अवधारणाओं को, ठोस अवधारणाओं को बच्चों को दिखा दिखा करके चीज़ों को हम सिखा सकते थे। ऐसे ही आपका विजुअल एड्स का प्रयोग करके, है ना, विजुअल एड्स का प्रयोग करके जो आपकी दृश्य सामग्री है, कह सकते हैं जो आपकी दृश्य सामग्री है, चार्ट पेपर हुआ, है ना, और संख्या हुआ, रेखा हुआ, छात्रों का जोड़ घटाओ, है ना, तो विजुअल एड्स के माध्यम से भी हम लोग सिखा सकते थे कि देखो ये दो हाथी थे और दो हाथी जब आगे मिले और क्या हुआ, एक और उसमें मिल गया तो तीन हो गए, तो है ना। तो हम लोग उसको चित्र के माध्यम से भी सिखा सकते थे कि भैया दो में एक मिल गया, तीन हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही हम लोग बच्चे को प्रयोगशाला गतिविधि भी करा सकते थे, है ना, या प्रायोगिक गतिविधि भी करा सकते थे, जहाँ पर हम बच्चे को आकृति हुआ, है ना, मूर्त रूप से हमने बच्चे को दिखाया इस प्रकार से, है ना, बच्चे को गोला भी दिखाया हमने, बच्चे को अर्धगोला भी दिखाया, है ना। तो हम लोग बच्चे को ये सारी चीज़ें दिखा करके प्रयोगशाला में, मान लीजिए किसी प्रकार का बॉल है, हमने बताया कि एक प्रकार का ये गोला होता है, या हमने बच्चे को स्क्वायर बना दिया और कहा कि देखिए भैया ये स्क्वायर है या ये क्यूब है, तो इस प्रकार से हम लोग बच्चे को सिखा सकते थे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इन्हीं सब के बारे में, है ना। तो ये प्रयोगशाला गतिविधि से भी हम लोग बच्चे को सिखाते थे, मूर्त रूप से जो चीज़ें हम दिख रही हैं मूर्त रूप से जिनका प्रयोग करके हम प्रयोगशाला में चीज़ों को सिखा सकते थे। बच्चे को खेल उपकरण का भी प्रयोग करके सिखा सकते थे, है ना, बच्चे ने हमने बच्चे को ब्लॉक्स बना दिए इस टाइप से और उसमें ऐसे ऐसे हमने बना दी गिनतियाँ,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना, बच्चा यहाँ से इस पर कूदा, इस पर कूद के यहाँ पर लाया है ना, इस पर फिर फोर पे गया, फोर से फिर फाइव पे गया, फाइव से फिर सिक्स पे गया, फिर सेवन पे गया। तो ये खेल के माध्यम से भी, खेल ब्लॉक्स के माध्यम से भी बच्चे को हम मज़ेदार और आकर्षक चीज़ें बना सकते हैं, है ना। जहाँ पर हमने कहा कि भैया अगर हमने एक है माइनस एक किया है ना, तो वहाँ पर हमने दो बच्चों को खड़ा किया और वहाँ पर भैया एक बच्चा था और उसमें से एक बच्चे को हटा दिया, तो वहाँ पर आपका जीरो आया। तो ऐसे बच्चे को जब हम सिखाएंगे तो बच्चा आकर्षक और मज़ेदार सीखेगा और बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग करने में भी मदद कर सकेगा, है ना। इसके बाद में वास्तविक जीवन का प्रयोग करके, है ना, वास्तविक जीवन में जो भी चीज़ें हैं इनका प्रयोग करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे जो भी दैनिक जीवन के उसके घर के क्रियाकलाप हैं, विद्यालय बच्चा गया, विद्यालय से घर की दूरी क्या है, कितनी उसने यात्रा की, कितना समय लगा, है ना, मम्मी ने कितने लंच बॉक्स में कितनी रोटियां दी, है ना, लंच बॉक्स का समय कितना होता है, या घर पर आप जब हैं तो आपके पास कितने कपड़े हैं, कैसे कपड़े हैं, किस कह सकते हैं कि कितने कलर के लाल कपड़े हैं, साइकिल है, साइकिल में कितने आपके पहिए हैं। तो इन सभी चीज़ों से जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक जीवन है, उनकी चीज़ों से भी हम बच्चे को गणित सिखा सकते हैं, है ना। मान लीजिए घर में पहिए बच्चे की साइकिल है, साइकिल में हमने देखा, बताओ बेटा कितनी तीलियाँ हैं, कितने पहिए हैं, है ना, और कह सकते हैं कि कितने हैं इसके हैंडल हैं, कितनी इसमें ब्रेक हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे से हमने बोल दिया, बेटा ऐसा करो पांच ग्लास लेकर के आओ, बच्चा अंदर से गया पांच ग्लास लेकर के आया गिन करके। तो वास्तविक जीवन से भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं। या बच्चा अगर बड़ा हो गया है तो हम बताएंगे, भैया ऐसा करो कि आप दो ग्लास लो और दो ग्लास में भैया क्या करो कि आप कोडिंग लेके आओ, या कह सकते हैं दो किलो बाहर से चीनी ले आओ जा करके। तो वास्तविक जीवन से हम बच्चे को सिखा सकते हैं, वास्तविक जीवन में चीज़ों का प्रयोग करके सिखा सकते हैं। ऐसे ही भैया हम लोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी चीज़ों को सिखा सकते हैं। प्रौद्योगिकी में बच्चे का खेल भी शामिल होगा, बच्चे के जो ऑनलाइन गणित है, ऑनलाइन माध्यम से भी जो गणित पढ़ाई जा रही है ना, वो भी शामिल होगी, है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चा सीखने में मदद कर पाएगा, बच्चे की नींव जो है वो मजबूत हो पाएगी और भैया बच्चे को सकारात्मक दृष्टिकोण में आगे मिलेंगे, बढ़ पाएगा। ऐसे ही आपका यूनिट 3.4 जो है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो आपका पेपर नंबर 8 है, यहाँ पर जो भी आपके विषय पढ़ाए गए हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, या और भी जो आपके विषय हैं, ठीक है, इसमें जो आपके ASD बच्चे हैं आप उनको कैसे पढ़ाओगे, ID बच्चे हैं आप उनको कैसे पढ़ाओगे, और SLD बच्चे हैं आप उनको कैसे पढ़ाओगे, कौन कौन सी गतिविधियाँ उपयोग में लाओगे, कौन कौन सी तकनीक का उपयोग करोगे, है ना, और कैसे आप बच्चे को सरल ढंग से पढ़ा सकते हो, ये सारे के सारे विषय आपको पेपर 8 में केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। इसके अलावा पेपर 8 में आपका कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें 3.4 आपका क्या कहता है, तो आप कहोगे सर 3.4 कहता है जो भी आपका एलिमेंट्री स्कूल है, है ना, जो भी आपका एलिमेंट्री स्कूल है ना, वहाँ पर जो आपका रेगुलर स्कूल चल रहा है, वहाँ पर कौन कौन सी हम टेक्निक्स का उपयोग करेंगे या टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे जिससे कि बच्चा एक बेहतर चीज़ों को सीख पाए। तो हम लोग कहते थे, भैया हमारे यहाँ विद्यालय जो चल रहा है वहाँ पर भैया क्या है, वाइट बोर्ड भी लगा है ना, वाइट बोर्ड लगा है जहाँ पर हम गणित की अवधारणाओं को बच्चे को सिखा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बच्चे को जो डिजिटल बोर्ड आए हुए हैं इस समय, जो डिजिटल बोर्ड हैं वहाँ पर भी बच्चे को स्क्रीन के माध्यम से भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं, बच्चे को हम मल्टीमीडिया का उपयोग करके सिखा सकते हैं, बच्चे को हम वीडियो दिखा करके सिखा सकते हैं, है ना, तो इन सभी चीज़ों के द्वारा सिखा सकते हैं। बच्चे को हम लोग ऑनलाइन गणित के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, है ना, ऑनलाइन गणित के माध्यम से क्या होगा, जो भी गतिविधियाँ होंगी उनको हम बढ़िया बना पाएंगे, उन गतिविधियों को हम बढ़िया मजबूत कर पाएंगे। बच्चे को हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से, है ना,
कि एक में से एक निकल गया, वन में से वन जोड़ दिया हमने, तो ऐसे भी हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर नए नए सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, बच्चे को एक गेम की तरीके से, मोबाइल ऐप की तरीके से जो चीज़ें आई हुई हैं, मोबाइल में ऐप में जो चीज़ें आई हुई हैं, मान लीजिए बच्चे को हमने फ्रूट कटिंग सिखाया, तो हमने कितने फ्रूट काटे भैया, कितने आम काटे, कितने हमने अमरूद काटे, कितने हमने अनानास काटे, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से बच्चे को हम लोग सिखा सकते हैं, है ना। बुनियादी कौशल जो हैं वो हम बच्चे को सिखा सकते हैं। गणित के सॉफ्टवेयर भी आए हैं जो चीज़ों को बोल बोल करके सिखाते हैं, बच्चे को बार बार अभ्यास कराते हैं, है ना। ये जो सॉफ्टवेयर आए हैं बच्चे को बार बार अभ्यास कराएंगे, बार बार प्रतिक्रिया कराएंगे, बच्चे की जो कमजोरी है उसका पता भी लगा लेते हैं, है ना। टैबलेट हुआ, आईफोन हुआ, है ना, और इन सभी चीज़ों से, नई नई वेबसाइटों के माध्यम से, गेम करके, इंटरैक्टिव जो पुस्तकें हैं इनके माध्यम से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो यही चीज़ें आपकी जो बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ रही हो, उनसे हम बच्चे को सिखाएंगे। 3.4 में आपका है यही सारी चीज़ें। इसके बाद में आपका 3.5, आपको 3.5 में ASD बच्चे को याद रखना है, ID बच्चे को याद रखना है, और SLD बच्चे को याद रखना है। इनकी जो प्रारंभिक स्तर की गणित है, इनकी जो प्रारंभिक गणित है या प्रारंभिक स्तर की जो गणित है, इसके अवधारणाओं और उपयोग के बारे में जानना है। तो जब भी इसकी बात आएगी तो आप कहोगे सर हम इनको विजुअल सिखाएंगे, इनको हम ऐसे कौशल सिखाएंगे जो समाज के लिए हो, जहाँ पर बच्चा समाज में बेहतर ढंग से अवधारणाओं को समझ सके, वहाँ पर उसको भागीदारी मिल सके। और बच्चे को हम क्या करेंगे, इन तकनीकियों को अनुकूलित करके, अनुकूलन बहुत ज़रूरी है, अनुकूलित करके, एडेप्टेशन करके, नई तकनीकियों के माध्यम से, है ना, बच्चे को मूर्त रूप से चीज़ों को समझा करके, बच्चे को नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से, नए पाठ्यक्रम के माध्यम से, है ना, इन सभी चीज़ों के माध्यम से, रणनीतियों के माध्यम से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। और उनमें सब में आप इन सभी का मेंशन कर दोगे, बस आपका उत्तर हो जाएगा। और इनसे हमेशा जितने भी आपके ये यूनिटें हैं, यहाँ पर 3.3 हुआ, 3.4 हुआ, 3.5, लगभग आपको सभी में सेम देखने को ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर हमें बच्चे को पढ़ाना है, और हमें इन सभी चीज़ों को ही, इन सभी कह सकते हैं कि आपके जो विषय हैं, इन सभी विषयों को पढ़ाना है। कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कैसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, यही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो समाप्त होने पर आई, और आप सभी से अभी तक नहीं कहा गया कि भैया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा। सभी मित्रों तक, सभी ग्रुप में आप जुड़े हैं, वहाँ पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और भैया, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन होगा, ऑल का ऑप्शन, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। वहां से जुड़ जाइएगा, और जो भी वीडियोस की लिंक वगैरह हैं वहां पर आपको शेयर कर दी जाती हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।